ओम शांति। आज बाबा के 13 सितंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। हर रविवार को हम बाबा से विशेष पालना लेते हैं इस अव्यक्त मुरली के माध्यम से। इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें पवित्रता का महत्व समझाया कि पवित्रता सिर्फ कर्म की पवित्रता नहीं, लेकिन आप मन, वचन और कर्म से पवित्र बनते हो। ये पवित्रता आपका स्वधर्म है, पवित्रता आपका स्वयं का स्वरूप है, ये पवित्रता आप आत्माओं की एक पहचान है। और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति अवश्य होगी। जो पवित्र आत्माएं हैं वो सदा हर्षित रहती हैं। पवित्र आत्माएं बेगमपुर का बादशाह होती हैं। साथ साथ बाबा ने स्वमान के बारे में भी बताया। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने होली और हैप्पी बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा इतनी बड़ी संख्या में हो नहीं सकती। बाबा के सामने जो बैठे हैं वो सब होली आत्माएं हैं, हैप्पी भी हैं। बाबा के इतनी बड़ी संख्या में इतनी सब आत्माएं ड्रामा में कहीं और हो नहीं सकती। आजकल किसी को भले हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन और कहां हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है। कौन सा दृढ़ संकल्प है अच्छे से नोट करेंगे हम अपने पास, ताकि हम दिन में भी रिवाइज कर सकें बाबा की ये बात। हर एक के अंदर दृढ़ संकल्प है, न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। न सिर्फ कर्म से, मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना। मन में भी किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना, वाणी से भी किसी को अशुभ नहीं बोलना, तीनों से ही पवित्र बनना है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहीं भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। आप सब पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र। बाबा से नॉलेज मिली, बाबा ने क्या याद दिलाया कि आपका अनादि रूप जब आप परम धाम में थे, जब आप सतयुग में थे, आदि रूप दोनों में ही आप पवित्र आत्माएं थी। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई, जब बाबा ने याद दिलाया तो हम आत्माओं को भी याद आया कि हम जब परम धाम में थे वहां भी पवित्र स्वरूप में थे, जब देवता रूप में थे तब भी। इस स्मृति ने समर्थ बनाकर सहज अनुभव करा दिया, जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्वयं का पिता, स्वयं स्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली। ध्यान से समझेंगे, हमें स्वधर्म की भी नॉलेज मिली। हम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? स्वधर्म पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है,
स्वदेश परम धाम पवित्र देश है, स्वयं का पिता पवित्रता का सागर है, स्वयं का स्वरूप पवित्र स्वरूप है और कर्म भी पवित्र कर्म हमारी पहचान है। ये नॉलेज मिली है तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जब बाबा से नॉलेज मिली तो जो मुश्किल लग रहा था वो सहज हो गया। सरल शब्दों में बाबा से जब ज्ञान मिला तो हमने समझ लिया कि मेरा स्वधर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, स्वदेश क्या है, स्वयं का पिता कौन है। तो बाबा कहते इससे फिर सहज हो गया, मुश्किल भी सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज कर लिया। दुनिया वाले इस बात को मुश्किल समझते हैं प्योरिटी को, और आपने इसे सहज स्वीकार कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है कि मुश्किल है? सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो पवित्रता हमारा स्वयं का स्वरूप है। पूरे विश्व के आगे आप चैलेंज कर सकते हो पवित्रता हमारा स्वयं का स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति, एक स्लोगन है बाबा का, पवित्रता सुख शांति की जननी है। सचमुच जिन्होंने प्योरिटी को अपनाया वो आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करती हैं। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उसके बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, इसलिए आप सदा हैप्पी रहने वाले हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहां होली है तो हैप्पी जरूर है, जहां पवित्रता है तो वहां हैप्पीनेस जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। बाबा देख रहे हैं मेरे सामने कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है, उस फाउंडेशन को नहीं जानते। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि फाउंडेशन पक्का नहीं तो सुख शांति भी अल्पकाल की प्राप्त होती है। अब ये भी है, अब ये भी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव। सरल शब्दों में हम सुख शांति चाहते हैं तो पवित्रता को अपनाना है, न केवल कर्म की पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, बेगमपुर के बादशाह। हम सब क्या बन गए हैं? बेगमपुर के बादशाह। बादशाह तो बहुत हुए दुनिया में, पर हम बिना गम के बादशाह हैं। ये है ब्राह्मण परिवार बेगमपुर, अर्थात सुख का संसार। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी, तख्त भी, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, दिल तख्त नशीन भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा, बादशाही भी न्यारी, बादशाह भी न्यारे होना। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पे तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं,
प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते हैं, किन प्राप्ति क्या, सुख भी होगा, सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, दो चीजें तो है ही। अल्पकाल का सुख मिलता है और उसके साथ चिंता और भय, दो चीजें तो है ही। तो जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख शांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। इस समय आपको बाबा से दुख का कारण निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती हैं। समस्याएं क्या करने आती हैं? खिलौना बन के आती हैं, खेल करने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं होना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म से अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? सर्व शक्तियों का खजाना आपका जन्म से अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई भी नहीं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित है उसके आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो क्या दिखाई देगी? तो ये समस्याएं आप महारथियों के आगे चींटी समान है। आप समस्याओं को खेल समझेंगे, परिस्थितियों को खेल समझेंगे तो बाबा कहते वो तो चींटी के समान है। जैसे हाथी के पांव के नीचे चींटी आ जाए तो कैसे पता चलेगा? खेल समझने से खुशी रहती है। समस्याएं खेल है, खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के कराते हैं ना। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे। खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे, खिलौनों के साथ खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहां पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहां स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आने की। आप पवित्र आत्माएं हो, शक्तिशाली हो, आपके सामने दुख अशांति नहीं आ सकती। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, सदा स्मृति में रखो। हम पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख शांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, एक दुख की साथ दुख की वंशावली आती है। जैसे गुण है, एक गुण अपनाओ तो दूसरा गुण भी आता है, तो दुखों की भी वंशावली साथ में आती है। उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो? आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बाबा हमेशा महिमा करते हैं कि तपस्या और महादानी आत्माएं हैं। बाप दादा सदा तपस्या महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं, सदा सेवा के लगन की तपस्या। अनेक आत्माओं को आप, तपस्वी आत्माओं को फल दे रही हैं। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि इनकी सेवा करने की विधि क्या है, फिर कैसे उससे वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ये बाबा को बहुत खुशी है। ऑस्ट्रेलिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सब में बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए इतने सेंटर खोले हैं। जैसे हमें भाग्य मिला ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। सेंटर खोलते जाते हैं, सोचते हैं कि जो हमें भाग्य मिला दूसरों को भी हमें देना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। जो हमें मिला हमें दूसरों को देना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना ये भी तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। मन में सेवा भाव है, निष्काम भाव है, तो अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है।
त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार बना, समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा दूसरे ने किया। यूनिटी किसे कहते हैं? एक ने कहा दूसरे ने माना। ऐसे नहीं एक ने कहा दूसरा कहे ये तो हो ही नहीं सकता, इससे संगठन टूटता है। एक ने कहा दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, यह संगठन की शक्ति। ध्यान से समझेंगे और यूज करेंगे अपने घर में, कर्म क्षेत्र पर, ऑफिस में। संगठन की शक्ति क्या है? एक ने कही दूसरे ने मानी। ऐसे नहीं एक ने कही तो दूसरा क्या क्यों करने लगे, दूसरा कही ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। एक ने कहा दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, यह संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा सब बातें समाप्त। संगठन में बाबा कहते कई बार बात हो जाती है, विचार मतभेद होता है, तो बाबा कहते वहां भी बाबा कहा बातें समाप्त। खिटखिट होती ही है तू मैं मेरे और तेरे से। खिटखिट के कारण क्या है? तू मैं मेरा तेरा। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बहुत काल की जो मजबूत स्थिति है, निर्विघ्न स्थिति है, वो मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते हैं उनका फाउंडेशन कच्चा रह जाता है। विघ्न भले आए, बाबा कहते हैं आपका कुछ बिगाड़े नहीं, उनके वशीभूत नहीं होना। अगर विघ्नों के वश होते हैं तो फाउंडेशन कच्चा हो जाता है, और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा, निर्विघ्न बन पांचवी डोनर बन जाती है। जो बहुत काल से निर्विघ्न रहते हैं वो पांचवी डोनर बन जाते हैं या फर्स्ट डिविजन में आ जाते हैं। तो सदा लक्ष्य रखो, बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। बहुत काल से, बहुत लंबे काल तक निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ, भले विघ्न आए आपकी स्थिति को लेके ना जाए, टाइम एनर्जी से भी सेवा में लगाओ। एक का पदम जमा हो जाएगा, इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक के रूप में पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से निर्विघ्न बन उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। मैं पूज्य आत्मा हूं, विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से निर्विघ्न बन उड़ती कला में उड़ते चलो। अपने विघ्न विनाश, आपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए भी बनना है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। बाबा याद करें डॉक्टर निर्मला दीदी को, जो वर्तमान समय में ज्ञान सरोवर परिसर को संभालते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सेवाएं भी देखते हैं, जो शुरू से लेके किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, ये भी आवश्यक होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। जैसे स्वयं आने से सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। भवनी का जो निमित्त होता है उसका प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर निर्मला दीदी स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र हैं, तो उनके संपर्क में जो आते हैं वो भी वैसा ही पुरुषार्थ करने लगते हैं, सेवा के निमित्त बन जाते हैं। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान है उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिनमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तपस्या और त्याग जिनमें है वो श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सब आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो सब बन रहे हैं, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट अभी किसी को मिला नहीं है, बन रहे हैं। बाबा ने कहा आप सभी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद है,
सदा संतुष्ट रहने वाले हो। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज कौन सी बात को हम अंडरलाइन करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलाने हैं। बहुत ही सुंदर वरदान। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सबको मान देने वाले दाता होते हैं। स्वमानधारी बच्चे क्या करते हैं? सबको मान देने वाले दाता होते हैं। दाता था रहम दिल। उनमें कभी किसी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ही कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। मन मन में सोचते हैं ऐसा होना चाहिए क्या, ये ज्ञान ऐसा कहता है क्या, ऐसा क्यों? ये सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी। स्वमानधारी पुण्य आत्माएं क्या करेंगी? गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी ये संकल्प नहीं कर सकती कि तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। नहीं, ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते कि नहीं गिरना ही चाहिए, अपने किए का फल भोग रहे हैं, जैसा किया वैसा फल पा रहे हैं। हम बच्चे ऐसा किसी के लिए नहीं सोच सकते हैं। बाबा कहते हैं आपने रोब का भी त्याग कर देना। स्वमानधारी आत्मा गिरे हुए को ऊंचा उठाती है, किसी को गिराती नहीं। किसी के लिए यह संकल्प नहीं करना कि अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं और इन्हें मिलना ही चाहिए था, हम इसी इंतजार में थे आदि आदि, ऐसे विचार नहीं लाने हैं। स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता उड़ती कला का अनुभव कराती है। अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा फाउंडेशन है।